चैप्टर नंबर 11, बग डॉग, सहयोगी की मदद से शिकार करना। इस कारोबार में कोई भी इतना अच्छा नहीं है कि मदद का इस्तेमाल ना कर सके। मैं तो वह सारी मदद लेने को तैयार हूँ जो मुझे मिल सकती है, और उसे पाने के लिए मैं समुचित राशि चुकाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं पहले ही इसको आपको इस बारे में कुछ विचार बता चुका हूँ कि मैं अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को डायरेक्ट मेल भेजने में कितना खर्चा कर रहा हूँ। हालांकि इस सूची में हजारों नाम है, लेकिन वे भी सभी मेरे प्रमुख संभावित ग्राहक है। मैंने उस सूची को खरीदा नहीं है। मैं किसी व्यवसाय में मेल ऑर्डर लिस्ट कंपनी पर निर्भर नहीं रहता जो मुझे बताए कि मेरे संभावित ग्राहक कौन हो सकते हैं। मैंने एक एक नाम करके अपनी खुद की सूची बनाई ही थी। यह सूची धीरे धीरे बड़ी थी, इसलिए मैं उसको हमेशा उन लोगों को डाक भेजने का खर्च उठा सकता था, क्योंकि डाक भेजने से उनको दोबारा मेरे पास लाने में मदद मिलती थी, और उनसे मुझे इतनी आमदनी हुई थी कि कारोबार बढ़ाने के लिए इस विधि का इस्तेमाल अब भी करता हूँ। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, यह एक निवेश है। इसका मतलब है कि मुझे डाक पर पहले खर्च करना होगा, उसके बाद ही मैं उनके फलों की फसल काट पाऊंगा। बहरहाल, जैसा मैंने संकेत किया था, मुझे अपनी डाक से मूल्यवान संभावना के अलावा भी कुछ हासिल होता है, इसलिए इसकी बदौलत मैं बल्क डॉग को नियुक्त करता हूँ और बाकी लोगों को याद दिलाता हूँ कि मैं अब भी यहाँ हूँ और बिक्री के लिए पैसे चुकाने को तैयार हूँ। शायद आप बर्ड डॉग शब्दावली का इस्तेमाल ना करते हो, आप चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारे। वे ऐसे लोग हैं जो दूसरों को मेरे पास कार खरीदने भेजते हैं और मैं उन्हें बिक्री के भुगतान लिए भुगतान करता हूँ, एक ग्राहक के लिए $50, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि बिक्री ना हो जाए। यानी साल भर में बर्ड डॉग को जो पैसा देता हूँ लगभग $28,000, वह निवेश नहीं है बल्कि बिक्री की लागत है, क्योंकि इसका भुगतान माल बिकने के बाद किया जाता है। लेकिन मेरी टैक्स श्रेणी में हर उस व्यक्ति को टैक्स श्रेणी को मैं जो सचमुच पेशेवर सेल्समैन बनने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। मैं एक बिक्री के लिए $50 का जो भुगतान करता हूँ, इसमें सिर्फ $25 ही मेरे हाथ में आते हैं। हालांकि क्योंकि बाकी का तो पैसा वो भी सरकार के पास आयकर के रूप में चला जाता है। बहुत से डीलर बर्ड डॉग की आधी फीस का भुगतान करते हैं। मेरा डीलर मुझे या किसी दूसरे सेल्समैन को इस तरह का कोई भुगतान नहीं करता। पूरे $50, $25 मेरी जेब से और $25 आयकर से का भुगतान मैं करता हूँ। बल्क डॉग के भुगतान के बारे में मेरा एक बहुत कठोर नियम है। मैं भुगतान कर देता हूँ, मैं उन्हें टकराता या टालता नहीं हूँ। मैं किसी तकनीक आधार पर उससे पैसे को रोकने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं भुगतान कर देता हूँ। मान ले कोई व्यक्ति किसी को मेरे कार्ड से साथ भेजता है, लेकिन उससे पीछे अपना नाम लिखना भूल जाता है और मुझे ग्राहक भी उस बात का जिक्र नहीं करता कि उसने किसने भेजा है। बिक्री के बाद मुझे उस व्यक्ति का फोन आता है, मैं जो पूछता हूँ, जब आपने स्टर्लिंग जॉन्स के वह इम्पेल रियल बेची तो आपने मुझे उसका पैसा नहीं भेजा। मैं जवाब देता हूँ, माफ करे, आपका नाम कार्ड पर नहीं लिखा था और जॉन्स ने मुझे नहीं बताया था कि आपने उसे भेजा था। आप आज ही आकर अपना पैसा ले जाए, यह आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अगली बार कार्ड के पीछे अपना नाम लिख दे ताकि मैं उनको पैसा ज्यादा जल्दी चुका सकूं। आपका वादा पूरा करे, इसके लिए वे आपसे प्रेम करेंगे। मुद्दे की यह बात है कि जब आप लोगों को बता देते हैं कि आप बिक्री पर उन्हें भुगतान करेंगे, तो आपने उनसे एक वादा किया है, आपने उन्हें अपनी जवाबदेही दी है। अगर आप उन्हें धोखा देते हैं तो आप झूठे और धोखेबाज साबित होंगे, और इसे 250 लोग पर आजमा कर देखें कि क्या होता है। एक मिनट ठहरे, आप कहते हैं अगर वह आदमी आपको धोखा दे रहा है तो क्या कर हो? अगर अपने जॉन्स को सचमुच ना भेजा हो तो क्या? मेरा जवाब है कि यह कभी कभार भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा बार नहीं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के बग डॉग बनने की संभावना है, ऐसे हर व्यक्ति का नाम मेरी फाइलों में होता है। और भले ही किसी ने धोखा देकर $25 मेरी जेब से और $25 आयकर विभाग की जेब से निकाल लिए हो, तब भी उसे बिक्री पर मुझे अच्छा कमीशन मिलता था। और अगर वह आदमी किसी दूसरे को यह बताता है तो वह शायद यही करेगा कि मैं उतना बेहतरीन बनना हूँ, और वह प्रशंसा कम से कम $25 के लायक तो कर ही देगा। लेकिन मेरे इतने नरम दिल होने का कारण यह नहीं है कि मुझे
बेमतलब पैसे बांटने का कुछ ज्यादा ही पसंद है। कारण यह है कि जिस व्यक्ति ने पैसा सचमुच कमाया हो उसे भुगतान न करने का जोखिम बहुत बड़ा है। जब मैं संभाव्यता को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बर्ड डॉग की फीस का भुगतान $50 झूठे लोगों को करना बेहतर है। वजह उनके कि आप उनसे एक सच्चे आदमी की यह फीस न दे जिसे उसे सचमुच कमाया हो। शायद यह अपनों पर $100 पर एक का है। मैंने आपको बताया कि पिछले साल मैंने बर्ड डॉग की फीस में $28,000 दे दिए थे। उसका मतलब है कि बर्ड डॉग के जरिए मैंने 550 बिक्रिया की, यानी तीन में से एक बिक्री। उन्होंने मेरे पास जो कारोबार भेजा उसके बदौलत मुझे $1,50,000 का कमीशन मिला और उनकी लागत मुझसे $28 पड़ी। यह काफी नियोजित अदला बदली है, खासतौर पर जब आप यह विचार करते हैं कि उनमें से अधिकतर बिक्रिया ऐसी थी जो फीस चुकाने बिना ही कभी नहीं हो पाती। मैं बर्ड डॉग की तलाश कैसे करता हूँ? मैं उनकी तलाश वैसे ही करता हूँ जैसे आप करेंगे। मैं उनको विस्तार से बताता जा रहा हूँ कि मैं उन्हें कैसे खोदता हूँ और अपने पास बनाए रखता हूँ। हर व्यक्ति आपका बर्ड डॉग हो सकता है। मेरे मामले में यह प्रक्रिया इस सवाल पूछने से शुरू हुई। मैं ऐसे किस व्यक्ति को जानता हूँ जो मुझे खरीदने वाला ग्राहक भेजने के बदले $50 पाना चाहेगा? मैं किसी बेहद अमीर व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग जरूर होते हैं, जरूर जानता हूँ, जो बहुत पैसे कमाते हैं। मगर मुझे अपनी जान पहचान का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मुझे एक ग्राहक भेजने के बदले $50 कमाकर खुश ना हो। मैंने एक बार यह फीस एक ब्रेन सर्जन को चुकाई थी जिसकी पैसे संबंधित बड़ी समस्या उसे रखने की थी। और कोई मंत्री भी जो मुझे $50 का बहुत सा कारोबार भेजते रहे। जब मैंने कोई बिक्री करता हूँ और उन्हें अपने ग्राहक और ग्राहक अपनी कार की डिलीवरी ले जाता है, अगले अध्याय में विस्तार में इस बात में बात कर जाएगी। तो उसके कार चलाने जाने पर पहले से आखिरी चीज यह करता हूँ कि अपने बिजनेस का कार का एक डेल और अपने बर्ड डॉग योजना की जानकारी उस कार में रख देता हूँ। कुछ दिनों बाद जब उसे मेरा धन्यवाद कार मिलता है तो उसे कार का एक और डेल मिलता है। वह जब एक बर्ड डॉग है, अब वो मेरी मेरी लिस्ट में भी है। इसलिए मैं अब उस कम से कम साल में एक बार मेरी बर्ड डॉग ट्रीटिंग किट मिलती है ताकि उसे याद रहे कि मेरा प्रस्ताव अब भी कायम है। जाहिर है संतुष्ट ग्राहक से कारोबार का आसान स्रोत होता है। अगर मेरा सौदा उनके लिए पर्याप्त अच्छा था तो उसे लोगों की यह आपके मित्र और रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा होना चाहिए। यह हर एक के बारे में सच है। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि मेरे ग्राहक अपने क्षेत्र का लीडर है जिसकी बात दूसरे लोग सुनते हैं, तो मैं उनसे अच्छा सौदा देने के बदले और देने और बर्ड डॉग बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता हूँ। अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता हूँ जो एक ऐसी फैक्ट्री का निवेदन मजदूर नेता या स्थानीय यूनियन का प्रेसिडेंट है, तो मैं जानता हूँ कि उसका यूनियन के दूसरे पदाधिकारी तथा सदस्यों पर बहुत प्रभाव है। वह ऐसा व्यक्ति है जो जनसंपर्क में क्षेत्र में है, बहुत से लोग से बातचीत करता है और वह उनसे लोकप्रिय भी होता है ताकि वे उसे अपना वोट दे। एक तरह से वह भी उसी स्थिति में होता है जिसमें मैं हूँ या आप है। वह भी अपने क्षेत्र का में एक तरह का सेल्समैन है और खुद को बेच रहा है, जो आखिरकार हम सभी को करना होता है, चाहे हमारे उत्पादन और हमारे भाव कितने भी अच्छे क्यों ना हो। इसलिए जब मैं उसकी किसी भी ऐसे व्यक्ति से टकराता हूँ चाहता हूँ तो मैं पहचान लेता हूँ कि उस दिशा में मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ तो मेरी खातिर कड़ी मेहनत करेगा और मैं उसे अच्छा सौदा दे देता हूँ वो और तो वो मेरी खातिर कड़ी मेहनत करेगा, क्योंकि वह खुद की खातिर कड़ी मेहनत करेगा। वह अपने सार्थकों को और एक और अच्छा सौदा दिलाने की कोशिश करेगा, इसलिए वह मेरे पास भेजेगा ताकि मैं उनके लिए वही कर सकूं जो मैंने उनके लिए किया था। अगर आप सही तरीके से उनकी योजना बना लेते हैं तो उनसे आपको जबरदस्त लीवरेज मिलता है। यह अलग अलग सैकड़ों दिशाओं में अपना विस्तार करने जैसा है। कई बार लोग मुझे ग्राहक भेजने के बदले में पैसे नहीं लेते। उनके कई कारण होते हैं। कई मामलों में तो उन्हें लगता है कि मैं उनकी कार उन्हें अच्छे भाव में पर दी थी कि वे सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं और उस एहसास के बदले में दूसरे लोगों को मेरे साथ बेचकर खुश होते हैं। जब मैं उसे लोगों को $50 का चेक भेजता हूँ तो वो मुझे लौटा देते हैं। ऐसा करने पर मैं उन्हें फोन करता हूँ और जिस भी चीज से उन्हें दिक्कत हो रही है
उनके लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन आप शर्त लगा सकते हो कि यह ज़्यादा बार नहीं होगा, क्योंकि $50 आखिर $50 होते हैं। लोगों की नकद पैसे देने में कुछ समस्याएं आ जाती है, कुछ स्थानों पर यह कानून के खिलाफ होता है। मैं वह कोई वकील नहीं हूँ, इसलिए मैं नियमों को पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यहाँ जहाँ आप लोगों को नकद पैसे दे नहीं दे सकते, वहाँ आप उपहार का मुफ्त सेवाएं दे सकते हैं। मैं कानून तोड़ने वाला कोई काम नहीं करता, करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, इसलिए अगर आप प्रभावी बर्डोग नियुक्त करना चाहिए तो नकद भुगतान नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि आप पता लगा ले कि जिस इलाके में आप कारोबार करते हैं वहाँ आपके कानूनी रूप से क्या कर रह सकते हैं। बर्डोग का एक और बड़ा और प्रभावी तंत्र तैयार करने में एक बात का ध्यान रखें, पैसा इतना होना चाहिए कि लोग आकर्षित हो जाए। मैंने पाया कि $50 या इसके करीब की राशि वह न्यूनतम राशि है जो अधिकतर लोगों को अपने मामले में कारगर रहेगी। अगर आप इससे कम से पैसे देते हैं तो आपको काफ़ी कम कारोबार मिलेगा, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहता कि लोग मेरी सिफारिश करने पर भुगतान को लेकर अपराध बोझ महसूस करें। मैं चाहता हूं कि पुरस्कार महसूस करें, और मैं चाहता हूं कि उपकृत महसूस करें, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि वे अपराध या बोझ महसूस करें। अधिकतर लोग वैसे भी नहीं करते, इसलिए यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर वे नकद भुगतान ना ले तो भुगतान कैसे करें? जब लोग मुझे बताते हैं कि वे मुझे बिक्री बेचने के बदले में नकद पैसे नहीं चाहते, तो मैं अलग तरीके से भुगतान करता हूँ। अगर कोई बर्ड डॉग किसी को मेरे पास बेचता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे फ़ोन करके धन्यवाद देता हूँ और बताता हूँ कि मैंने उसका $50 का चेक डाक में डाल दिया है। यदि वो कहता है कि मुझे पैसे स्वीकार करने की अनुमति ऑफिस से किसी नियम या दूसरे कारण से नहीं है, तो मैं उसे बता देता हूँ कि मैं इसके लिए कोई दूसरी अच्छी चीज़ करना चाहता हूँ। फिर मैं डेथ्रॉयल के एक अच्छे रेस्टोरेंट में संपर्क करता हूँ जहाँ के मैनेजर मेरे परिचित है। मैं उन्हें बताता हूँ कि वे मेरे बर्थ डॉग के लिए एक कार्ड भेजे दे तथा उसे और उसकी पत्नी को डिनर पर मेरे अतिथि के रूप में आमंत्रित कर ले, या अगर उसे कोई पसंद नहीं आएगा तो मैं उसे पत्र भेजकर बता सकता हूँ कि वह अपनी कार हमारी वहाँ एक निश्चित राशि के मुफ्त सेवा के लिए ले जा सकता है। मैं ये विचार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके बर्डो कारोबार के लिए नकद पैसे देने से रोकने वाली जो भी कानूनी या अन्य समस्या आपको इलाके में है उससे बचाने का तोड़ निकाला जा सके। अधिकतर मामलों में मैंने पाया है कि अगर मैं किसी को उसके घर के पते पर चेक भेजता हूँ तो कोई समस्या नहीं होती है। देखिए, मुझे ऐसा है कि कुछ क्षेत्रों में ऐसी बर्डो को अधिक पुरस्कार देना नैतिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता, लेकिन यह तो उनका इस्तेमाल न करने का कोई कारण नहीं है। सेल्स मैनेजर लगातार मुझे बताते हैं कि अगर उन्हें सेल्समैन सिर्फ रेफरेंस मांग सके तो वे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं। जब आप किसी ग्राहक से रेफरेंस मांगते हैं तो आप दरअसल उस पर एक एहसान करते हैं। यहाँ जान ले कि कैसे अधिकतर लोग दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। किसी अच्छे सौदे या किसी अच्छे सेल्समैन के बारे में अच्छी टिप देने में उन्हें खुशी होती है। अगर आपने उनके साथ सही बर्ताव किया था तो वे अपने मित्रों को आपके बारे में खुशी खुशी बताएंगे। अगर मित्र उनकी सलाह पर अमल करने और सामान खरीदता है तो उनसे मूल ग्राहक को यह संतुष्टि मिलती है कि उसने अपने एक अच्छे मित्रों की मदद की। उनके अलावा लगभग हर कोई कभी कभार अपना खुद का बिगुल बजाने की जरूरत महसूस करता है। उन्हें कितना अच्छा सौदा मिला इस बारे में डिंगे हकने और उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। जब कोई मित्र उनकी सिफारिश पर खरीदता है तो उनका वह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि उन्हें अच्छा विवेक है। आइए सच्चाई का सामना करें। आप और मैं भी उनकी अपने पसंद के लोगों के लिए यही करते हैं। हमारा डॉक्टर, डेंटिस्ट, नाई और पेटर तो फिर अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे से पूछने में क्यों झिझके? इससे आप दोनों ही को ही लाभ होता है। अपने नाई से अपने बारे में बात करवाइए। बर्ड डॉग का मेरा एक प्रिय स्रोत है नाई। वे अपने ग्राहकों से बहुत बातचीत करते हैं। कुछ लोग को तो लगता है कि जरूरत से ज्यादा चाहे जो हो। मुझे जब भी बाल कटवाने की जरूरत होती है मैं अपने इलाके के एक अलग नाई का पास जाता हूँ। इस तरह मैं बहुत से नाइयों के संपर्क में आता हूँ, उन्हें नियुक्त करता हूँ और उनकी रुचि को हवा देता हूँ।
किसी नाई के साथ मैं आमतौर पर इस बात तरह बात शुरू करता हूँ। मैं एक छोटा चिन्ह ले जाता हूँ जिसे मैंने एक स्थानीय व्यवसाय आर्ट स्टूडियो में तैयार किया था। इस चित्र वाले कार्ड पर लिखा है, शहर में सबसे अच्छे कार सौदे के लिए मुझसे पूछे। मैं वह कार नाई को देता हूँ, अपना $50 का सिस्टम समझाता हूँ और उसके पास अपने कार्ड का ढेर छोड़ जाता हूँ। गौर करें कि कार्ड पर सर्वले का कोई जिक्र नहीं है। वास्तव में मैं नाई से कहता हूँ कि वह दूसरे ग्राहकों से पूछे जो दूसरे प्रकार की कारों के सेल्समैन हैं कि क्या वह मेरी तरह भी उसे $50 का भुगतान करेंगे। मैं उनसे उनके भी कार लेने को कहता हूँ। इस तरह जब कोई साइट का बोर्ड दिखता है और उससे पूछताछ करता है तो वह उनसे पूछ सकता है कि वे किस तरह की कार चाहते हैं। अगर वे ब्यूइक चाहते हैं तो उनके पास वह ब्यूइक सेल्समैन का कार है, या फॉक्सवैगन या फोर्ड का भी, जो भी है वो। मैंने उसे एक ऐसे कारोबार में लगा दिया जिससे अगर वह मेहनत से काम करे तो बहुत सा अधिकतर धन कमा सकता है और मुझे उनके कारोबार में अपना हिस्सा या उनसे भी ज्यादा मिल जाता है। जैसे मैंने कहा था, मैंने यह एक नाई के साथ किया है। मैं उसे अपने से मिलने वाले हर व्यक्ति के साथ करता हूँ। मेरा यह मतलब है नहीं है कि मैं ये चिन्ह हर एक को थमा दूँ। उनका इस्तेमाल तो मैंने अब तक सिर्फ नाइयों के साथ ही किया है, लेकिन आप हैरान होंगे कि $50 पाने के लिए कौन कौन से लोग आपकी खातिर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस इलाके में एक दवा निर्माता कंपनी है जो बहुत से डॉक्टरों को रोजगार देती है। उस कंपनी के कई डॉक्टर मेरे बर्ड डॉग है और वे मेरी सूची के सबसे सक्रिय लोग है। वे अपनी नौकरी से अच्छा पैसा कब बनाते हैं? वे अच्छा पैसा बनाने वाले दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं। वे बहुत से डॉक्टरों या अस्पतालों के लोगों से बातचीत करते हैं और वह अक्सर इन लोगों के पास कई कार्य होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे बहुत सी मीटिंगों में, सम्मेलनों में भी जाते हैं जहां दूसरे डॉक्टर तथा अपने उद्योग के लोगों से मिलते जुलते हैं। चिकित्सा एक बड़ा और दौलतमंद उद्योग है। इसके अलावा वह तथ्य भी है कि डॉक्टर पैसे के लिए काम कम से कम दूसरे लोगों जितने ही उत्सुक दिखते हैं। उन सभी की बदौलत मुझे बहुत सारा अधिकतर कारोबार मिल जाता है। बर्ड डॉग बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका में से कुछ ऐसे है, बैंक, फाइनेंस कंपनी और क्रिकेट यूनियन। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो नई कार खरीदने के का लोन मंजूर करते हैं, जो नई कार खरीदने का लोन मंजूर करते हैं। लोग का काम देखने वाले इन लोगों को ज्यादा अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है। वास्तव में धन के विनिमय और दूसरे लोगों से को बहुत सा पैसा बांटने के इन कामों में बड़ी घटिया तनख्वाह मिलती है, इसलिए वे मुझसे थोड़ी अधिकतर कमाई करने में खुश होते हैं। प्रति व्यक्तिगत $50 मैं उनके पीछे पड़ जाता हूँ। कई बार तो कार खरीदते समय ग्राहक लोन की जो मंजूरी या चेक लाता है उस पर मैं हस्ताक्षर करने वाले का नाम लिख देता हूँ। बिक्री पूरी होने के बाद मैं बैंक या लोन ऑफिस के उस आदमी को फोन करता हूँ और उसे बताता हूँ कि मैंने अभी अभी लोन रॉबिन्सन को मॉन्टेन कार्लो कार बेची थी और उनसे उनके तथा उनके संगठन साथ कारोबार करना अच्छा था। फिर मैंने उसे लंच पर ले जाने वाला प्रस्ताव कर रखता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका ऑफिस किस इलाके में है। मैं उसे बता देता हूँ कि सहयोग के लिए उस दिन मैं उनसे इलाके में जाने वाला हूँ। फिर हम आसपास के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में मिलने की योजना बना लेते हैं। क्यों नहीं, अगर लंच के लिए मुझे $50 या $100 भी खर्च करने पड़े तो उनसे क्या फर्क पड़ता है। यह एक कारोबारी खर्च है और वैसे भी अगर उस लंच से मुझे एक भी अतिरिक्त बिक्री मिल जाए तो समझ लीजिए कि मैंने खर्च से ज्यादा कमाई कर ली है। जब मैं उसे रेस्टोरेंट में ले जाता हूँ तो मैं उसे लंच के दौरान बता देता हूँ कि वह यह सब किस बारे में है। मैं जिक्र करता हूँ, अगर वह कोई कार्ड पर अपना नाम लिखकर किसी ग्राहक को भेजता है तो मैं कार खरीदने वाले हर ग्राहक के लिए $50 का पुरस्कार दूंगा, या वह मुझे बस फोन करके बता दे कि उसने भेजा है तो मैं उसे बता दूंगा कि अब तक मैं कितनी सारी कार्ड बेच चुका हूँ, ताकि वह यह बात समझ जाए कि मेरे बहुत से संतुष्ट ग्राहक है। इसके अलावा उसे यह संकेत भी मिल जाता है कि आमतौर पर किसी दूसरे के सस्ते सौदे दे सकता हूँ।
उससे अक्सर मुझे किसी दूसरे सेल्समैन के सौदे से खिलाफ बोलने बोलाई बोली लगाने का मौका मिल जाता है। मुझे स्पष्ट करने दे। मान ले एक ग्राहक बैंक में आता है, उसके पास एक कार का ऑर्डर है जो वह किसी दूसरे डीलर के से खरीदना चाहता है। वह लोन मांगता है। लोन ऑफिसर जो मेरा बल्क डॉग है सौदे के भाव पर नजर डालेगा और दूसरे कमरे में जाकर मुझे फोन करेगा। वह मुझे बता देगा कि वह आदमी कौन सी कार खरीदने आ रहा है, उसे उसमें मैं कौन से विकल्पित सामान लगे हैं और उसकी कीमत क्या है। मैं फटाफट अनुमान लगा कर देखाऊंगा कि क्या मैं उससे कम कीमत में उससे कार दे सकता हूँ। वह आदमी जिस दूसरी जगह से कार खरीदने वाला था वहां से कम $200 कम बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मान ले कि मैं $200 से कम भाव बता सकता हूँ। मैं यह बात लोन ऑफिसर को बता देता हूँ। साथ ही मैं यह भी बता देता हूँ कि मेरे पास कार है और मैं उसे तुरंत कार दे सकता हूँ। वह अपने ऑफिस में जाकर ग्राहक को बता देगा कि वह कार उसे $200 के कम भाव में दे सकता हूँ। अगर वह भाव सिर्फ $100 कम होगा तो ग्राहक मेरे पास आने की जहमत नहीं उठाएगा। यह भी हो सकता है कि उसने दूसरे सेल्समैन के पास $20-30 का बयाना छोड़ा हो, लेकिन अगर भाव $200 कम है तो वह उस बयाने को गवारा बर्दाश्त कर सकता है। अगर अंतर इससे कम है तो उसे लग सकता है कि उसे मुझसे मिलने वाले झंझट मोल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा लोन ऑफिसर को मेरे पास ग्राहक भेजने के लिए $50 मिलने वाले हैं, इसलिए वो अपनी तरफ से ग्राहक को प्रोत्साहित करने की पूरी कोशिश करेगा और उसे बताएगा कि डीलरशिप तथा सेल्समैन कितने विश्वसनीय है आदि आदि। जैसे कि लोन ऑफिसर से मेरी पूरी बात हुई है। मैं अपने स्टॉक में से उसे आदमी को मनचाही कार खोजता हूँ। अगर ठीक वैसे ही कार हमारे पास होती है तो अच्छी बात है, वरना मैं दूसरे डीलर के पास वैसे ही कार बुलवा लेता हूँ। मैं उनकी साफ सफाई और धुलाई कर देता हूँ तथा डीलरशिप के लिए तैयार कर देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ग्राहक जब आएगा तो कार खरीदने के लिए जितने पैसे चाहिए उस पर उसका लोन मंजूर हो जाएगा। उस लोन ऑफिसर को अपना वर्डबुक बनाकर मैंने बेहतरीन व्यवसाय कर दी। वह मुझसे ऐसा कारोबार बेच सकता है जो मुझे किसी दूसरे तरीके से नहीं मिल सकता। उसने उसी मुझे ऐसी बिक्री लादर की जो पहले ही कोई दूसरा सेल्समैन कर चुका था। उसने कर्ज लेने वाले ग्राहक की मदद की और उसका पैसा बचाया। उसने खुद के लिए $50 कमाए तथा उसने अपने मुझे एक ऐसी बिक्री दिलाई जिसे पाने का मेरा पास कोई उपाय नहीं था। बर्ड डॉग फीस और ग्राहक को सस्ते दाम पर कार देने के बावजूद थोड़ा कमीशन कमा लेता था हूँ। भले ही बिक्री मुझसे सिर्फ $100 का शुद्ध मुनाफा हुआ हो, लेकिन फिर भी वह $100 में किसी दूसरे तरीके से नहीं कमा पाया सकता था। वह एक ऐसा सीधा आसमान से मेरी जेब में टपका था। इस बारे में सोचे कि मैंने खुद के लिए अतिरिक्त पैसे कम कैसे उत्पन्न किए और सोचे कि आप अपने कारोबार में इस तरह की चीजें कैसे कर सकते हो। मुझे अपने बर्ड ऑफ कुछ दूसरे तरीके से दूसरी जगह पे भी मिल जाते हैं। जब मैं गैस और ऑयल खरीदता हूँ तो मैं पेट्रोल पंप के कर्मचारी से बात करने की कोशिश करता हूँ, खासतौर पर तब जब मैंने कार को मरम्मत जरूरत की हो। मैं कार को मरम्मत की जरूरत होती है। वह बहुत सी कारें देखते हैं जो बदल जाने की कंगाल पर होती है। जब कोई आदमी किसी कार के साथ आता है जिससे भारी मरम्मत की जरूरत होती है, मान लें $1000 के लगभग, तो वह यह सोचने की ज्यादा दूर नहीं होता कि पुरानी कार को ठीक करने के बजाय नई कार की खरीद ले। अगर वह कहता है कि वह कार पूरी मरम्मत नहीं कर सकता करना चाहता तो इसके मतलब है कि वह नई कार खरीदने के बारे में पहले से ही सोच रहा है। रिपेयरिंग गैराज वाले आदमी को एक दो शब्द से ही उसका मन मुझसे मिलने के लिए विचार आ जाएगा, जबकि उसके हाथ में मेरा कार्ड हो। अगर ग्राहक तुरंत काम नहीं करने वाला है तो मैकेनिक उसे मेरे पास भेजने के कोई नुकसान नहीं होता। उससे मुझसे $50 मिल जाते हैं जो उसे दूसरी स्थिति में नहीं मिल पाते। बर्डो कारोबार के सबसे अच्छे स्रोत है स्टोर्सों में से टोइंग सर्विस यानी कि कार खींचकर ले जाने वाली कंपनियों और बॉडी बम्पर शॉप्स भी शामिल है। वे लोग बहुत सी कारें खरीदते हैं जो तबाह हो चुकी है और उनकी मरम्मत नहीं हो सकती। मालिक नई कार खरीदने वाला है और संभवतः उसके लिए उसे बीमा कंपनी से चेक मिलने वाला है जो लोग दुर्घटना बीमा दावों और सेल्स ऑफिसरों के काम करते हैं। वे भी बर्डो के लिए अच्छे विकल्प होते हैं क्योंकि वे भी तबाह हो चुकी कारों के बारे में जानते हैं। मैं उन्हीं सभी को लोगों को उससे संपर्क करता की कोशिश करता हूँ क्योंकि वे मेरे व्यवसाय के उत्कृष्ट स्रोत है।
अपने बग डॉग की निगरानी करना, लेकिन एक बार जब आप संपर्क कर लेते हैं तो हो है अपने फीस का प्रचार कर देते हैं और उन्हें अपने कार थमा देते हैं, तो उसके बाद भी आपको उसके से संपर्क में रहना होगा। जब चीजें धीमी होती है और मेरे पास कुछ खाली समय होता है तो मैं अपने बग डॉग पर की फाइल पर नजर डाल देता हूँ कि कौन कौन से मेरे पास कौन कौन मेरे पास कारोबार नहीं भेज रहा है। फिर मैं उन्हें फोन करके उनका उत्साहवर्धक बातचीत करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है कि उसे कुछ समय से $50 की चेक की नहीं भेज पा रहा हूँ। हो सकता है कि वह भूल गया हो। अगर वे नए डॉग बल्क डॉग है तो हो सकता है कि उन्हें लोगों को मुझसे नई कार खरीदने की सलाह देने की आदत न पड़ी हो। मेरे कुछ बर्ड डॉग मेरे पास लगातार प्रॉस्पेक्ट भेजते हैं क्योंकि वे अवसर तुरंत ही भाप लेते हैं, बाकी के को संबंध की जरूरत से और कई बार तो लंबे समय बाद कूड़ेदाते डने की जरूरत होती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सही पल पर प्रतिक्रिया करने की आदत डालना और मुझसे $50 अतिरिक्त कमाना सामने वाले के लिए कितना आसान हो या कठिन है। इस किसी हर किसी को नई आदतें डालनी होती है। यह एहसास करने के में मुझे कुछ समय लग गया कि कौन मुझे अतिरिक्त कारोबार प्रदान कर सकता है। मुझे हर समय लोग इसलिए मिलते हैं क्योंकि मैंने हर समय लोगों को ये तलाश करने का सीख लिया है, चाहे मैं जो जहां भी हूँ। मैं कारोबारी घंटे के बाद अपने हेल्थ क्लब वर्कआउट करने जाता हूँ। वहां मैं यह सुनिश्चित करता हूँ कि लॉकर रूम में अटेंडेंट और मालिश करने वाले को पता हो कि मैं क्या कर बेचता हूँ। यही नहीं, उनके पास मेरे कुछ कार्ड भी होने चाहिए। इसके मेरी बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती और बर्ड डॉग के बिना ही मुझे दूसरे सदस्यों के कारोबार मिल जाता है। लेकिन आपको हमेशा अवसरों की तलाश करनी चाहिए और कई बार तो ऐसे मौके आ जाते हैं जिनकी आप पहले से उम्मीद नहीं कर सकते। इस पर विचार करें। एक दोपहर मैंने एक आदमी को फोन मेरे पर एक आदमी का फोन आता है जो मुझसे एक खास कार की कीमत मालूम करना चाहता है। एक फोन कॉल का जवाब देने का शायद उतने ही तरीके हैं जितने कि सेल्समैन है। मैं आमतौर पर कॉल कर सुनता हूँ और फिर फोन पर ही भाव बता देता हूँ। कुछ सेल्समैन इतनी कम कीमत बताते हैं कि फोन करने वाला वहाँ खुद आना पड़े, हालांकि सेल्समैन संभवतः कार को उसी कीमत पर खरीद नहीं खरीद दे सकते। हम ऐसे बड़े अपराध के बजाय छोटा अपराध स्वीकार करना चाहिए करते हैं। कुछ सेल्समैन इसे जरूरत से ज्यादा सस्ता कहते हैं। इसके पीछे इरादा यह होता है कि ग्राहक को किसी दूसरी जगह खरीदने करने रोका जाए। फिर होता है यह कि डीलरशिप में आता है और सेल्समैन उसे किसी दूसरे मॉडल या दूसरे विकल्प और मॉडल की कोशिश करता है। अगर इससे भी बात ना बने तो वह कहता है कि सेल्स मैनेजर उस पर बहुत तैयार नहीं होगा उस भाव पर तैयार नहीं होगा। इस तरह वह उससे कुछ और पैसे झटक लेता है। मैं इस आदमी का अनुमोदन नहीं करता, ना ही अन्य वे सेल्समैन करते हैं। यह कारोबार करने का खराब तरीका है क्योंकि भले ही ग्राहक आपसे सामान खरीद ले, लेकिन उसे ऐसा महसूस होगा कि ऐसे धोखा दिया गया है। और अगर वह अपने सामान नहीं खरीदता है तो वह अपने धोखेदार या चालबाज करार देकर अपनी सूची काट सकता है। इसका मतलब है कि वह कम से कम 250 लोगों को उसे यह बता देने वाला है कि आप गड़बड़ आदमी हैं। जब मेरे पास फोन आता है तो मैं फोन करने वाले को सही भाव बता देता हूँ। हम एक अन्य अध्याय में इस कारोबार के भावों में के दायरे पर बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल मेरी बात स्वीकार कर ले कि सेल्समैन के पास बहुत बड़ा दायरा होता है जिससे वे किसी भी प्रोस्पेक्ट के को भाव बता सकते हैं। आखिर दर्जनों मॉडल होते हैं, कई तरह के विकल्प होते हैं और दूसरे घटक भी होते हैं जिससे अलग अलग भाव के हजारों टालमेल बन सकते हैं। स्पष्ट रूप से जब मुझे एक ऐसे फोन आते हैं तो मैं फोन करने वाले को ऐसा भाव बताना चाहता हूँ कि जिसे वहां खींच आए। अगर वह एक एयर कंडीशनर, मैगवील्स और स्टीरियो विद FM रेडियो और CD प्लेयर और कैसेट का जिक्र नहीं करता तो मैं उसे कार का वह भाव बताता हूँ जिसमें ये सारी चीजें शामिल ना ही है। मैं उसे साथ ही अतिरिक्त सामानों के बारे में बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उसे कम से कम भाव बताना चाहता हूँ जिसे मैं सचमुच उसे कार दे सकता हूँ। मैं उस आदमी को से लंबी बातचीत करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि क्या वह किसी दूसरी जगह पर खरीदी कर रहा है उससे
उसके अलावा मैं यह भी पता लगाना चाहता हूँ कि वह क्या काम धंधा करता है, ताकि मैं जानूँ कि उसके लिए कर्ज की व्यवस्था करना आसान होगा या कठिन। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए और डीलर के लिए कम मुनाफे या नुकसान पर भी उस ग्राहक को कार बेचना कितना सार्थक हो रहेगा। मुफ्ती जो आपके लिए कारगर होगी होती है, यह सही है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि संभावित ग्राहक को लागत से कम में बेचने पर मुझे आगे चलकर बहुत फायदा हो सकता है, तो मैं उससे बिक्री पर मिलने वाले अपना सारा कमीशन छोड़ने के लिए तैयार हो रहता हूँ और अपनी जेब से डीलर को पैसा देने के लिए भी तत्पर रहता हूँ। आइए इस फोन करने वाले के बारे में बात करते हैं। वह मुझे पूरी तरह से बता देता है कि वह अपनी कार में क्या क्या चाहता है, और मैं पता लगा लेता हूँ कि वह दूसरे डीलर से यहाँ भाव मालूम कर चुका है, और वह मुझसे बता देता है कि वह उसे सबसे कम भाव क्या बताता है बताया गया है। वह भाव ऐसा है जिसमें कम से कम में उसे एक कार देने के लिए मुझे अपने जेब में से पैसा डालना पड़ेगा। मैंने अपने डीलर से यह अनुबोध कर लिया है कि अगर कोई व्यक्ति सचमुच इतना महत्वपूर्ण है कि उसे नुकसान पर बेचा जाए, तो मैं यह काम कर सकता हूँ। बस ऐसे कि मैं पहले से बता दूँ और डीलर को पड़ने वाली लागत का अंतर बाद में अपनी जेब से भर दूँ। देखिए, यह कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे मैं ज्यादा बार करना चाहता हूँ। मैं कार बेचने समय पैसे और दोस्त दोनों बनाना चाहता हूँ, लेकिन कई बार कोई ग्राहक इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसकी खातिर यह नुकसान उठाया जाए और डीलर की भी बगैर मुनाफे के कार बेचने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी लागत निकल जाती है और उसका स्टॉक कम हो जाता है, लेकिन उसे बगैर मुनाफे के बेचने के पीछे कोई कारण भी नजर आना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामले ज्यादा नहीं होते। फोन करने वाला किसी बड़े शहर वाले प्लांट की यूनियन का यूनिट चेयरमैन जो होता है, इसका मतलब है कि कार वाले बहुत से लोगों पर उनका बहुत सा प्रभाव है, और अधिकतर बहुत से स्पष्ट कारणों से शेवरलेट खरीदते हैं, जिसमें यह तथ्य शामिल है कि कार बनाने वाली फैक्ट्री में दूसरे निर्माताओं की कार के साथ पार्किंग स्थल में अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस कारोबार में यह कई बार होता है। तो यह सब आदमी फोन करता है और अब उसके पास पहले से ही बहुत कम भाव है। मैं उसे बता देता हूँ कि उसके पास बहुत अच्छा भाव है, और वह यह बात जानता है कि फिर मैं उसे होल्ड पर रखता हूँ और अपने डीलर मैनेजर से नुकसान के बारे में बात कर अनुमति चाहता हूँ। कम भाव बता देता हूँ, मुझे अनुमति मिल जाती है और मैं ग्राहक की डीलर की लागत से $50 कम भाव बता देता हूँ। वह भाव सुनते ही वह मुझे समझ जाता है कि मैंने हर दूसरे सौदे को हरा दिया है, क्योंकि वह आंकड़ा जानता है और यह भी जान सकता है कि उसे सौदे में मुझसे नुकसान होने वाला है। तो वह अंदर आता है और यह मानते हुए कि मैं भाव और खास तौर पर मुनाफे का दायरा बढ़ाने के लिए उसे कोई अतिरिक्त चीजें नहीं बेच पाता, तो वह मेरे लिए भाव पर कार ले जाता है और मुझे डीलर को अपनी जेब से $50 देने पड़ते हैं। अब क्या होता है, मैंने $50 की लागत में उस कमीशन को नहीं गिरने रहा हूँ जो मैंने उस बिक्री पर नहीं कमाया था। वो एक बर्ड डॉग विकसित कर लिया है जो उसे मिले सौदे के बारे में डिंगे ठहाकेगा, और अपनी यूनियन, अपने प्लांट तथा अपने आसपास प्रदेश में मेरे और मेरे डीलर का प्रचार करेगा। वह अपनी बोलिंग लिंग में अपनी नाव रखने वाले छोटे बंदरगाह और अपने गार्ड को भी वह जाएगा और बंदरगाह, और जहाँ भी जाएगा वहाँ लोगों के मेरे बारे में बात करेगा। जाहिर है, जब अपनी नई कार लेकर जाता है तो उसे मेरे बिजनेस कार्स का ढेर मिलता है, और वह प्रस्ताव भी जो मुझसे भेजी गई हर बिक्री पर $50 कैसे कमा रह सकता है। लेकिन इसके बिना ही मेरे मेरे और डीलर के पास बहुत से कारोबार बेचता है। इतना ही नहीं, हमने उसे जो पैसा गवाया गया है वह आराम से वसूल हो जाता है, क्योंकि कई लोगों में उससे उस बारे में डीके हकना की आदत होती है कि उन्होंने अपनी कार कितनी सस्ती खरीदी, इसलिए उसकी बात सुनते वाले लोग शायद उतनी ही सस्ती कार खरीदने की उम्मीद नहीं रखी करेंगे। और मैं आपको बता दूँ, उनमें से किसी को मिलेगी भी नहीं। मेरा डीलर न्याय उचित मुनाफे का हकदार है और मैं भी वाजिब कमीशन का अधिकारी हूँ। यह हम मुनाफे के बिना सामान बांटने वाले कारोबार नहीं है, लेकिन आई कल
कई बार संस्था और लाभ बनाने का यह बहुत अच्छा तरीका है। अगर मुझे एक उस ग्राहक से सिर्फ एक सामान्य बिक्री मिल जाए तो उसे बेचने में नुकसान नहीं भरपाई हो जाती है और मैं डीलर की भी। लेकिन आमतौर पर मेरे बोए हुए उस $50 के बीच की वजह से मुझे एक दर्जन या से अधिक लोग मिल जाते हैं। और याद रखें कि यह पचास डॉलर एक कारोबारी खर्च है जिसे मैं टैक्स भरते समय घटा सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी जेब से सिर्फ $25 ही जाते हैं। बहुत बार आपके सामने आपके पास पुलिस शरीफ और फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तथा उनके सामाजिक कार्यक्रम के लिए टिकट खरीदने को कहते हैं। यह तक कि कुछ जगह पर डाकिये भी ऐसा ही करते हैं। मुझे यकीन है कि आप में इतनी समझदारी होगी कि आप ऐसे लोगों को नहीं ठुकरा सकते होंगे, खासतौर पर अगर आप कारोबार में हैं। मैंने पाया है कि अला दर्जे के बर्ड डॉग बनते हैं, इसलिए जब मुझे मौका मिलता है तो मैं उनके टिकट खरीद लेता हूँ और फिर अपने कार्ड को एक ढेर देकर अपने $50 वाली नीति के बारे में बता देता हूँ। यही मैं भत्रुस्त्र संगठनों के मामले में भी करता हूँ। जब उनके लोग अपनी कार्यक्रम पुस्तिकाओं के विज्ञापन में बेचते हैं तो मैं हमेशा एक विज्ञापन खरीद लेता हूँ, लेकिन मैं उन्हें विज्ञापन को नहीं चुकता, उन्हें जिनने लिखा होता है। एक मित्र की ओर से शुभकामनाएं, मेरे विज्ञापन में हमेशा लिखा होता है जो जिरार मार्शल सर्वेलेट की ओर से शुभकामनाएं। मैं विज्ञापन मांगने आए व्यक्ति को कार्ड का एक ढेर देता हूँ और अगर मेरे पास समय होता है तो मैं उसे समारोह में भी जाता हूँ। वे लोग अपने लोगों से मिलने और उन्हें वह बताने के लिए अच्छे स्थल होते हैं कि क्या बेचता हूँ। मैं जानता हूँ कि बहुत से दूसरे लोग जिनमें डेस्टिस्टन और विमा सेल्समैन शामिल हैं यही चीज करते हैं, लेकिन उससे सिर्फ यही सोच साबित होता है कि यह आपके कारोबार या बढ़ाने का अच्छा तरीका है। जब भी हर दिन अपने कारोबार में दूसरे लोगों के से बातचीत करता है वह एक बर्ड डॉग बन जाता है। खासतौर पर ऐसे लोगों को दिमाग में रखें जो अपने पारंपरिक रूप से ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, लेकिन बैंक के लोन ऑफिसर न सिर्फ उनकी तनख्वाह कम होती है बल्कि उनके पास कारोबारी जीवन में कई उपहार भी नहीं मिलते या लंच पर भी नहीं ले जाया जाता है। इसलिए मैं हमेशा ऐसे लोगों को लंच पर ले जाता हूँ जिन्हें यह लंबे समय तक याद रहे। अगर आप उन्हें किसी तरह के रेस्टोरेंट में ले जाते हैं जहाँ जाने का खर्च वे सचमुच नहीं उठा सकते तो और वहाँ पर उन दिन 20-30 कटौतियाँ योग्य डीलर खर्च कर देते हैं तो यह उन्हें उनके लिए काफ़ी बड़ी बात होती है। मैं इसके लिए कुछ और भी करता हूँ। उनसे मिलने जाने वाले से पहले कार के पीछे क्राउन रॉयल बिस्की की बोतल भी रख देता हूँ। इस पर उसे उस इलाके में बेहतरीन ब्रांड माना जाता है। जब वे कार से उतरते हैं और मैं विदा ले रहा हूँ तो मैं पीछे हाथ कर बोतल उठाता हूँ और कहता हूँ, हैरी सुने हैरी, किसी ने मुझे यह बोतल दी थी और ज़्यादा कॉमेडियन विस्की नहीं पीता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि क्या आप इसे लेना पसंद करेंगे। आप शर्त लगा सकते हैं कि वह उसके लिए अंततः राजी हो जाएगा। इसके बाद आप जब भी वह आप उसी बड़ी बोतल के ड्रिंक मारेगा भरेगा तो हर बार मेरा नाम याद करेगा और यह भी कि मैं क्या बताऊँ उसकी खातिर क्या कर सकता हूँ। मैंने दूसरे सेल्समैनों को कई बार बर्ड डॉग के बारे में शिकायत करते हुए सुना है जब वे पहले उनका इस्तेमाल शुरू करते हैं। एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैंने एक महीने पहले कार्ड बांटना शुरू किया लेकिन मुझे अब तक उससे एक भी बिक्री नहीं मिली। मेरा जवाब हमेशा यही रहता है, धैर्य रखें, आपने बीज बो दिए है, बस बोते रहे, काटने के लिए बहुत फसल मिलेगी। जैसे मैंने कहा था, पिछले साल बर्ड डॉग के जरिए मैंने लगभग 550 कारें बेची है। बहुत से सेल्समैन तो साल भर में इतनी कारें बेचने से ही खुश हो जाते हैं और मैं नहीं जानता कि मैंने मौखिक प्रचार के जरिए कितने ग्राहक को बेचा है जो बर्ड डॉग के लिए कार्डों में शुरू हुआ था। श्रृंखला अंतहीन है, बेशर्ते आपको इसे जारी रखें और लागत गौण है क्योंकि यह सब अतिरिक्त कारोबार है। $50 का भुगतान करके आप सैकड़ों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन उस लाभ को पाने के लिए आपको यह भुगतान सचमुच करना होता है। चैप्टर नंबर 11 समाप्त हुआ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।